कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर से WHO ने सबसे बड़ा खतरा बच्चों के लिए जाहिर किया है। क्राइस्टचर्च स्कूल पहली क्लास से पांचवी क्लास तक के बच्चों के अभिभावकों का कहना है, कोविड-19 संक्रमण काल में स्कूल प्रबंधक द्वारा 2 वर्ष से ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई है। अब स्कूल प्रबंधन बच्चों के एग्जाम ऑफलाइन करवा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चे वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, इसलिए स्कूल प्रबंधन को ऑफलाइन एग्जाम की जगह ऑनलाइन एग्जाम लेने चाहिए। यही बात करने अभिभावक मंडल क्राइस्टचर्च स्कूल प्रबंधक के पास पहुंचा था। काफ़ी देर तक बच्चों के अभिभावक इंतजार करते रहे स्कूल प्राचार्य से मिलने के लिए, पर उनसे मिलने नहीं दिया गया। अभिभावकों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है वो वैक्सीनेशन करवाए बिना बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम देने नहीं देंगे। किस परेशानी में लेके आए? आज क्राइशर स्कूल की प्रिंसिपल, क्राइशर स्कूल गर्ल्स मैडम की, क्राइशर स्कूल की गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल से हम लोग मिलने आए हैं। पूरा ग्रुप बना के 5th to 1st class तक की पूरा ग्रुप फैमिली इकट्ठा होकर आया है। विगत 2 सालों से कोरोना की महामारी से अनेकों जान गई। तीसरे साल WHO ने अपन को हिदायत दी कि बच्चों को सेफ रखिए, क्योंकि ये जो महामारी आ रही है वो बच्चों को लेके है। ऐसे माहौल में क्राइशर स्कूल बोल रहा है कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं लेंगे। जब आपने ऑनलाइन पूरे साल पढ़ाया है तो बच्चा ऑफलाइन के लिए प्रिपेयर कैसे हो सकता है? तो और महामारी को देखते हुए भी एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होना चाहिए। जब क्लासेस ऑफलाइन लगी हैं तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होना चाहिए। और यही सब समस्याओं को लेके पूरा महिलाओं का ग्रुप और पूरे पेरेंट्स आए हुए हैं और प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया गया। बोले अभी मीटिंग पर बैठी हैं। 11 बजे से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, 12:15 बज गया। अब प्रशासन से हम ये मांग करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इनसे कुछ चर्चा हो और बात हो कि बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकें। क्या लगता है कि ये मनमानी कर रहे हैं? ये सरासर मनमानी तो है ही, और कुछ परिवारों को समस्याएं भी हैं कि आज तक उनके बच्चों ने वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वो कैसे अपने बच्चों को निडर होकर छोड़ दें? क्योंकि इंसान को अपने आप से ज़्यादा उनके बच्चों से प्रेम होता है। वायरल भी अभी समय तो वायरल भी है कोविड के साथ। नाम अनूप कुमार। जी मैम, एक्चुअली एग्ज़ाम है, हम अपने बच्चों को लेके, उनको वैक्सीनेशन नहीं लगा, इसके कारण हम ऑनलाइन पसंद कर रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन लगा होता तो हम उसमें भी प्रिपेयर होते कि आप स्कूल में ऑफलाइन ले सकते हैं एग्ज़ाम। इसमें कितने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को वैक्सीन नहीं लगा होगा लगभग? पूरे जितने 1st to KG1 से लेके 5th class तक के बच्चे, 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगा। अगर वो लग जाता है तो हम उसके लिए तैयार हैं ऑनलाइन देने। जबलपुर से आशीष पाठक की रिपोर्ट।